लाएंगे जी पक्का। हाँ जी, और फूल का निशान ही लाएंगे जी। फूल का इस बार फूल को कौन से नंबर पे देख रहे हैं है जी? फूल को हम तो जी नजमुद्दीन जी लिख रहा है जी। दूसरे पे किसको देख रहे हो? दूसरे पे नरेश बाबू आएंगे इस बार फिर भी दूसरे नंबर पे बीजेपी को। हाँ जी, आप तो बीजेपी की टिकट के लिए गुहार लगा रहे थे, बीजेपी को दूसरे नंबर पे क्यों देख रहे हैं? बस का तो मतलब बाद में पता लगेगा जी। बताओ तो है जी, बताइए तो। उसका तो बाद में पता लगेगा जनाब। कैसा? कि फूल खिले या साइकिल खिले या नलका खिले, आपकी नजर में इंशाल्लाह फूल खिलेगा। अच्छा, तो आप देख सकते हैं इन्होंने, भैया ने पहले तो कहा कि हम नजमुल के साथ में हैं, फिर उसके बाद इनको अपने दिल की बात बताइए, फिर कहा इन्होंने फूल खिलेगा। तो मतलब नजमुल के साथ नहीं है, फूल के साथ? हम तो फूल के साथ है जी। फूल के साथ है, अभी तो आपने कहा था। चलिए अब आते हैं इधर की तरफ, आप इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद। राशिद भाई, क्या माहौल है कांदला इलेक्शन का? भाई कांदला इलेक्शन का माहौल तो यह है, इस टाइम नलके की भी हवा चल रही। अच्छा, साइकिल की भी चल रही। अच्छा, हम तो यही चाह रहे हैं कि इन दोनों भाइयों में से कोई सा भी निकल जा। दोनों में से कोई भी एक निकल, दोनों में से कोई भी, मगर समर्थन में है हम नलके के। नलके के समर्थन में जी। चलिए इधर आते हैं। इलाही भाई, सोशल मीडिया पे काफी फोटो वायरल होते हैं अलग अलग लोगों के साथ में, काफी चेहरों के साथ में आपके फोटोज देखे जाते हैं, ऐसा क्यों? भाई साहब देखो, कहने का मकसद जो ये है कि सभी शहर के लोग हैं, हम भी शहर के में से ही हैं, तो देखो जो भी कोई आता है फोटो खींचने को, किसी को मना नहीं कर सकते जी। तो सिर्फ यही है और कोई रीजन नहीं है। पर्टिकुलर पार्टी के आप सदस्य बन रहे हैं अभी? कोई किसी के भी नहीं, हम किसी के अभी साथ नहीं है। अच्छा, हम अपना वोट जो देंगे वो गुप्त वोट देंगे, जिसको भी देंगे हम खुल के किसी के साथ नहीं है। अभी कुछ कह नहीं पाएंगे कौन पहले दूसरे पे है या किस, तीन लोगों में चुनाव चल रहा है? भाई साहब तीन लोगों के अंदर चुनाव है, नजमुल इस्लाम, फैसल बाबू और नरेश सैनी, इन तीन का चुनाव है। इन तीनों का चुनाव है। अच्छा, और बीजेपी के साथ जो दिखा रहे हैं मुस्लिम वोट, वो सिर्फ चेहरा दिखावा चेहरा है जहाँ तक उम्मीद है, बाकी लगता नहीं कि ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ है होगा नहीं? नहीं होगा, मुस्लिम देगा नहीं वोट बीजेपी को? बहुत कम, ना के बराबर, ना के बराबर। चलिए सर, शुक्रिया। हेलो गाइस, मैं अकरम खान, कैमरामैन इरफान कुरैशी विवाजित के साथ में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टार न्यूज इंडिया में, और स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम जो कि हमने शुरुआत की थी, कांदला आवाम की क्या आवाज़ है नगर निकाय चुनाव में। तो चलिए चलते हैं उसी प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए। आप मेरे पीछे बोर्ड देख सकते हैं, ये मेंबर का बोर्ड है और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इससे मैं आगे निकलूँगा। ये सब्जी मंडी का एरिया है कांदला की, जो एक सब्जी मंडी है, वाहिद एक ही मंडी है, छोटी मंडी, जहाँ से लोग सब्जी खरीदते हैं, वेजिटेबल्स खरीदते हैं खाना बनाने के लिए, वहाँ पर आ चुका हूँ और उनसे बातें करेंगे। अब इसी में चलते हैं आगे की तरफ और लोगों से मुखातिब होते हैं। आपका जोनी कुरैशी। जोनी भाई, क्या माहौल है कांदला इलेक्शन का? हमें तो नरेश सैनी का माहौल चिराग। अच्छा, हाँ, हम दूसरे पे कौन? दूसरे पे फैसल बाबू, इन दो का जचरा, और तीसरे पे मियां, तीसरे पे साइकिल। हाँ, चलिए शुक्रिया सर बात करने के लिए। हाँ, आगे की तरफ चलते हैं और भी लोगों से बातें करेंगे। यहाँ पर ये भैया है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनस। क्या कहना चाहोगे अनस भाई, क्या माहौल है कांदला इलेक्शन? माहौल तो चुनाव का वो चल रहा है जी, बाबू पहले नंबर पे तो नजमुल रहेगा, दूसरा भाव पे चल रहेगा, इन दोनों के इसमें टक्कर, दोनों में टक्कर है। चलिए सर शुक्रिया बात करने के लिए, और भी लोगों से बातें करेंगे। अब चलते हैं इधर की तरफ, ये पांच वार्ड नंबर पांच का सभासद प्रत्याशी का कार्यालय है। अब देखते हैं यहाँ पर मेंबर साहब मिलते हैं नहीं मिलते हैं और उनसे थोड़ी सी बातें करेंगे। सबसे पहले इनसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? जयवीर। क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल है चुनाव का? जी क्या बताओ, चेयरमैन निकल तीन है, कौन कौन? नरेश है। अच्छा, अजमुल है। अच्छा, और ये है क्या नाम, पठान। अच्छा, नलका। हाँ जी, इन तीन का लग रहा है आपको। चलिए शुक्रिया, इधर आते हैं, यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं पांच नंबर वार्ड से। सबसे पहले तो इनके नाम से ही शुरुआत करते हैं, क्या नाम है सर? नील कमल जोशिया। क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है आपको, आपका चुनाव किस पड़ाव पे आ गया है इस बार? चुनाव तो जो मतदाता होते हैं उनकी इच्छा होती है। अच्छा, वो अच्छे, मैं तो मतदाताओं से यही दरख्वास्त करूंगा कि अच्छे को चुने, सच्चे को चुने। क्या क्या लगा आपको कि आपने राजनीति में कदम रखा है, क्यों रखा है? राजनीति में कदम मैंने सेवा के लिए रखा है, लोगों की बहुत कंप्लेन होती थी, हमारे जो मेंबर साहब होते थे या फिर जो भी होते थे वो काम के तरीकों को नहीं समझ पाते थे, किस काम का स्तर कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पे खत्म होगा। अच्छा, किस अधिकारी से क्या काम कराना है, उनको नॉलेज ही नहीं होती, उनको साइन तक करने नहीं आते, इस वजह से आपने ये बेड़ा उठाया है। जी 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 जी, लोगों की सेवा तो आप वैसे भी करते थे, आपका मिनी बैंक है। वैसे भी कर रहे हैं, अकाउंट भी खोलते हैं, वैसे भी हमारे बहुत सारे ऐसे कार्य है जिनसे अपने जनता की सेवा होती है। कितने वोट है आपके वार्ड का, कितने सौ वोट है, मतलब कितने हजार? 1419 वोट है हमारे वार्ड में, पांच नंबर में। जी जी, जिसमें मुस्लिम पोल कितना है? मुस्लिम 539 है और बाकी जो है अपने 600 कुछ के लगभग जो है हिंदू वोट है। अच्छा, उसमें से आप कितना मानते हैं मुस्लिम वोट आपको मिल रहा है? मुस्लिम वोट तो मेरे साथ है, 100% मेरे साथ है। 100%? जी जी जी, मुस्लिम का सपोर्ट है, मुस्लिम लोगों ने मुझसे पर्चा भरवाया है कि आप पर्चा भरे और जो है लोगों की सेवा करें।
चलिए सर, शुक्रिया अपना कीमती बात करने के लिए इस चीज़ पे। अब इलेक्शन आप चेयरमैन पे शायद बात ना कर पाएंगे, कुछ कर पाएंगे? नहीं नहीं, चेयरमैन निकाल, देखो हमारा ऐसा ही मसला है, हम जो है हम चेयरमैन की बात नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। जी जी, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। अब आगे चलते हैं, थैंक यू वेरी मच, आगे चलते हैं। और तो भाई सब चलते चलते यहाँ पे आ गए हैं। भाई क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। राहुल भाई, क्या माहौल है चुनावी कांधला का? भाई सही है, जो भी चल रहा सही चल रहा। पहले नंबर किसको देखते हैं? पहला नंबर भाई जो है, एक तो नजमुल जी हैं, एक मोबीन जी हैं, इन दो का चल रहा है चुनाव जी। बीजेपी को कौन से स्थान पे देख रहे हैं? तीसरे पे। इस बार तीसरे पे क्यों? बस ज्यादा वोट घट रहे हैं। हिंदू पोल कम रहेगा बीजेपी को इस बार, ये पक्का पूरा उतरेगा? हिंदू तो रहेगा लेकिन मोमडन का कम चांस नहीं है। हाँ चलिए सर, शुक्रिया बात करने के लिए। इधर भी आते हैं भैया की तरफ। क्या नाम है सर आपका? तरुण जयंत। क्या कहना चाहेंगे जैन साहब, क्या माहौल है चुनावी माहौल कांधला का इस बार? चुनावी माहौल काफी अच्छा है, सभी अपनी मेहनत पे लगे हैं, सब जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जहां तक हमें जिनका पक्ष मजबूत लगता है वे मोबीन जी हैं और नजमुल जी हैं, इन दो का लग रहा है जी। बीजेपी को कौन से स्थान पे देख रहे हैं? बीजेपी जैसे हमारे बड़े भाई ने बताया, बीजेपी तो फिलहाल अभी जो बीजेपी के कैंडिडेट है या बीजेपी है वो अभी तीसरे नंबर पे ही है हमारे नजरिए से। अगर वोटों का ध्रुवीकरण हो गया मुस्लिम्स में तो शायद एक पहला नंबर भी बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है, ये कहीं ना कहीं उम्मीद है। अगर मेजोरिटी जिसकी तरफ होगी वो तो जीत ही जाएगा। अच्छा, तो मेजोरिटी क्या समझते हैं इस बार, हिंदू समाज के जो लोग हैं वो फूल पे खड़े उतरेंगे या बटेंगे? नहीं, हिंदू समाज तो हमेशा फूल पे खड़ा ही उतरता है। अच्छा, मुसलमान ही कहीं ना कहीं इधर उधर बिखरेगा? नहीं, मुसलमान भी नहीं बिखरता, लेकिन मुस्लिम का वोट अपना खुद का तय होता है। हिंदू तो यह है कि बट भी जाते हैं उधर उधर। अच्छा। लेकिन मुस्लिम का जो मुझे झुकाव लगता है वो नजमुल जी पे है और मोबीन जी पे है, ज्यादा इन दो पे है। चलिए सर, शुक्रिया अपना कीमती ओपिनियन पोल देने के लिए। अब चलते हैं आगे की तरफ, दुकान से बाहर निकल कर और भी लोगों से बातें करेंगे। चलिए चलते हैं। तो भाई चलते चलते अब आगे इन भैया की तरफ, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? जिसान कुरैशी। कुरैशी साहब, क्या माहौल है कांधला इलेक्शन का? नजगुंज। दूसरे पे? दूसरे पे नरेश। तीसरे पे? बाबू फैसल। इन तीन के बीच इलेक्शन कांधला का है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर वोट कट जाए मुसलमानों का इधर उधर हो जाए तो इससे फायदा किसको होगा? नरेश को। नरेश को, तो बीजेपी सरकार ठीक रहेगी? क्यों भज्जी, वो तो तुम्हें पता है। क्यों? मुझे तो पता नहीं सर, वो सेंटर में भी है, राज्य में भी है। तो ये भी तो इसलिए महंगाई ज्यादा होगी, इस वजह से महंगाई तो बढ़ती जाएगी। और बढ़ती जाएगी। चलिए शुक्रिया कीमती ओपिनियन बोल देने के लिए। आगे चलते हैं और भी लोगों से बातें करेंगे। क्या खड़े हैं, क्या नाम है भैया? हेलो, गुलफाम कुरैशी। गुलफाम भाई, क्या माहौल है कांधला इलेक्शन का? माहौल बढ़िया है। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे नजमुल इस्लाम है। और दूसरे पे? दूसरे पे नरेश सैनी है। इन दो के बीच चक्कर चल रही है। हंस क्यों रहे हैं सर नरेश जी का नाम लेते हुए? बताइए बताइए, मुस्कुराहट है चेहरे पे। चेहरे पे मुस्कुराहट इसलिए है जी जी, बताइए बताइए, डोंट बी एजिटेटेड, कोई नहीं, बताइए भाई। हमारा प्रत्याशी जीत रहा है इसलिए हमारे चेहरे पे खुशी की एक्सप्रेशन जीत वाला नजर ही नहीं आ रहा सर। नहीं नहीं, जीत वाला ये तुम्हें नजर नहीं आ रहा जी। मैं तो आपसे ही बात कर रहा हूँ, आप एकदम वो हुए। दूसरे बच्चा बीजेपी चार योजना से दूसरे पे, इस बार भी दूसरे पे क्यों समझते हैं? बीजेपी नहीं हमारे यहाँ पे जीत जी, कभी नहीं जीत पाएगी, कभी नहीं जीत पाएगी। मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, बंटवारा हुआ, फिर भी नहीं कहा हुआ ध्रुवीकरण? अगर हो गया वोट तो हमेशा जाती है, जितनी आपके बट रही है इधर उधर हमेशा होता है ऐसा। तो यहाँ की सीट मुस्लिम बहुल्य एरिया है तो सेफ जोन में है भाई, यहाँ पे जो है मुस्लिम कैंडिडेट ही जीत पाएगा। अच्छा, चलिए सर शुक्रिया अपना ओपिनियन पोल देने के लिए। इधर आते हैं भैया की तरफ। क्या नाम है सर आपका? जावेद कुरैशी। कुरैशी साहब, क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल इलेक्शन का? माहौल तो भाई बढ़िया है सब, बाकी जो है ना त्रिकोणीय चुनाव है। किस किस का है सर? नजमुल इस्लाम, नरेश सैनी। अच्छा, और फैसल भाई। अच्छा अच्छा, बीजेपी को कौन से स्थान पे देख रहे हैं कांधला में? बीजेपी फाइट है, दोनों में फाइट करेगी। अगर कहीं ना कहीं नलके और साइकिल में वोट बट गए आपके हिसाब से तो बीजेपी का चांस है? बीजेपी का चांस है अगर दोनों में चुनाव बराबर रहा है। अच्छा, दोनों चुनाव बराबर लड़ते हैं तो फिर बीजेपी की सीट निकलेगी, और फाइट किसी से भी होगी तो बीजेपी से ही फाइट होगी। बीजेपी से ही फाइट होगी कांधला में, नरेश सैनी से ही है। हर बार की तरह इस बार भी उन्हीं से ही है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया ओपिनियन पोल देने के लिए। इधर आते हैं भैया की तरफ। क्या नाम है सर आपका? इलाही कुरैशी। इलाही भाई, सोशल मीडिया पे काफी फोटो वायरल्स होते हैं अलग अलग लोगों के साथ में, काफी चेहरों को साथ में आपके फोटोज देखे जाते हैं, ऐसा क्यों? भाई साहब देखो, कहने का मकसद ये है कि सभी शहर के लोग हैं, हम भी शहर के
में सही है। तो देखो जो भी कोई आता है फोटो भेजने को, तो किसी को मना नहीं कर सकते जी। तो सिर्फ यही है और कोई रीजन कोई नहीं है। पर्टिकुलर पार्टी के आप सदस्य बन रहे हैं अभी कोई किसी के भी? नहीं, हम किसी के अभी साथ नहीं है। अच्छा। हम अपना वोट जो देंगे वो गुप्त वोट देंगे। अच्छा। जिसको भी देंगे हम खुल के किसी के साथ नहीं है। अभी कुछ कह नहीं पाएंगे कौन पहले दूसरे पे या किस तीन लोगों में चुनाव चल रहा है? भाई साहब तीन लोगों के अंदर चुनाव है, नजमुल इस्लाम, फैसल बाबू और नरेश सैनी। तीनों का चुनाव है। अच्छा। और बीजेपी के साथ जो दिखा रहे हैं मुस्लिम वोट जी, वो सिर्फ चेहरा दिखावा चेहरा है जहाँ तक उम्मीद है, बाकी लगता नहीं कि ऐसा कुछ है। होगा नहीं? नहीं होगा। मुस्लिम देगा नहीं वोट बीजेपी को? बहुत कम, ना के बराबर। चलिए सर, शुक्रिया बात करने के लिए। इधर आते हैं सर की तरफ। क्या नाम है भैया? मोहम्मद राशिद कुरैशी। राशिद भाई क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल है? बहुत गर्म माहौल चल रहा है इस टाइम जी। तो क्या लग रहा है कि कौन कौन दौड़ में है इस बार? बस तीन कैंडिडेट दौड़ में लग रहे हैं भाई, हमारे बीजेपी के, सपा के और लोक दल के। तीनों में टक्कर है और जिसकी भी टक्कर होगी तो वो बीजेपी से है। बीजेपी से जी जी। कहीं ना कहीं ये डर तो नहीं है कि बीजेपी निकल गई तो? भाई जो 50-50 दोनों ले जाते हैं, नजमुल इस्लाम और बाबू फैसल, तो बीजेपी निकल जाएगी। हाँ, मगर उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है, इंशाल्लाह दोनों में से एक ही हो। शुक्रिया बात करने के लिए। और भी लोग अगले भैया भी आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? आप ही देवन। क्या कहना चाहोगे, क्या माहौल है? माहौल तो यहाँ फूलघर समाजवादी का, फूले समाजवादी। बाकी वोट काटने वाले, बाकी वोट काटने वाले। अच्छा, आपके जो घर वाले हैं और आप भी हैं तो काफी फोटो इधर उधर वायरल होते रहते हैं, काफी कैंडिडेट्स के साथ में, सबके साथ में जाएगी दो एकड़ वोट? ऐसा कुछ नहीं है, एक ही जगह जाएगी सारी टोटल वोट। तो फोटो वायरल भी होता है? वोट तो कर दे, सभी आ जाओ घर पे। अच्छा। वोट कोई भी भेज के ले जाओ। इसीलिए पक्का वोट किधर है आपकी नजर? वो तो इंशाल्लाह अभी नहीं बता सकते, वो लोगों का लक्षण है आपकी नजर में। चलिए सर, शुक्रिया बात करने के लिए। सबसे पहले तीन भैया गडेन से बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुनील है। क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल है गांधल इलेक्शन का? अल्लाह का शुक्र है, बढ़िया। ये किस किस का हो रहा है? चार में ही है, चार का तो दो बताइए सर, किसी दो का? दो में भाई किसको बताएं, कोई भी दो अपने दिल से। तीनों बराबर के लड़के। चलो तीन बताइए, तीन का बताइए भाई। मोबीन भी है। अच्छा। वो भी फाइट में है। फैसल भी फाइट में है। अच्छा। अब नरेश सैनी तो ही सामने। इन तीन का आपकी नजर में चुनाव है? चलिए सर, शुक्रिया। आप बताइए सर, क्या नाम है? मेरा नाम जाकिर है। आपका क्या राय है, क्या किसके बीच चुनाव चल रहा है? हम तो देहात से हैं, हमें नहीं पता। आप आते हैं कांधला में, दोस्ती यारी भी, रिश्तेदारी भी होगी, क्या आवाजें आ रही हैं? आवाजें तो यही आ रही है भाई। किस किस की? फैजुल इस्लाम है, मोबीन है। अच्छा। नरेश सैनी है। अच्छा, इन तीन की आवाज आ रही है। चलिए सर, शुक्रिया अपना ओपिनियन पोल देने के लिए। आप आगे भी चलते हैं और भी लोगों से बातें कर, और अभी यहाँ पर दुकान इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? तो क्या माहौल है इलेक्शन का? मजा आ रहा है सर, बढ़िया। किसका चल रहा पहला दूसरा? हमारा भी, हम तो आ सकते हैं। फिर भी पहले तो कौन है तुम्हारी नजर में? पहले तो दूसरे पे, दूसरे पे बाबू फैसल। ठीक है जी, इधर आते हैं। क्या नाम है भैया? मोहम्मद नवाब। नवाब भाई क्या माहौल है? तो फिलहाल नजमुल का चल रहा है चारों तरफ। दूसरे पे बाबू फैसल, नरेश बाबू जैसे। इन दो में और दूसरे पे रहेंगे जी? बाबू फैसल दूसरे पे, बाबू फैसल या नरेश में कोई सा, कोई सा भी एक। चलिए सर, शुक्रिया बात करने के लिए। अब आगे चलते हैं और भी लोगों से बातें करेंगे। तो भाई सब चलते चलते यहाँ पर इन भैया की दुकान पर आ गए। क्या नाम है सर आपका? लोकेश। लोकेश भाई क्या माहौल है इलेक्शन का, काम का? सही चल रहा है माहौल तो। किसकी टक्कर हो रही है? तीन ही है। कौन कौन? नरेश और अजमुल। अच्छा। और भाई फैसल। इन तीनों के बीच इलेक्शन है। चलिए सर, शुक्रिया। इधर आते हैं, बताइए भाई ना, बैठे हमने कहेंगे और कौन क्या बताइए सर? ये तीन जगह फाइट में फिलहाल। अच्छा। तीनों बराबर की टक्कर है। कौन कौन? भाई फैसल, अजमुल और क्या नाम है भाई का, दूसरे का, तीसरा एक हो रहा है नरेश भाई। नरेश भाई तीन निकले हैं, तीन की टक्कर है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। अब आगे चलते हैं और भी लोगों से बातें करेंगे। तो भाई जी, भैया भी मिल गए। क्या नाम है सर आपका? संजय। संजय भाई क्या माहौल है कांधला इलेक्शन चुनाव का इस बार? कांधला इलेक्शन नजमुल। अच्छा। और फैसल, इन दो का माहौल है? हाँ जी, हाँ जी। शुक्रिया सर बात करने के लिए। आगे चलते हैं और भी लोगों से बातें करेंगे। और बातें इधर की तरफ, यहाँ पर भी चार पांच लोग बैठे हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा भाई कदीर है मेरा नाम। कदीर भाई क्या माहौल है इलेक्शन का कांधला में इस बार? माहौल का तो इलेक्शन चल रहा है, तब भाई ने लिखा था भाई नल के बैग डब्बा। हाँ, सब देख रहे हैं। चलिए सर इधर आते हैं। आपका क्या नाम है जी, बताइए सर नाम तो बताइए। चलिए इधर आते हैं, आप बताइए सर अपना नाम क्या है?
वसीम। वसीम भाई क्या माहौल है इलेक्शन का ये सब नलके पे है। नलके पे दूसरे पे किसको देख रहे हैं? दूसरे पे यही रहेगा फैजल इस्लाम। फैजल इस्लाम आपका क्या नाम है जी? हाजी गुलजार। गुलजार भाई क्या माहौल है? फैजल इस्लाम को जिताऊंगा इंशाल्लाह पूरी बहुमत से। ये भैया कह रहे हैं नलके को भाई इनकी मर्जी अपने अपना है। अच्छा दूसरे पे किसको देखते हो? हम नहीं देखते और किसी को भी। दूसरे पे किसी को नहीं देखते? ना हम नहीं देखते किसी को, हम तो सिर्फ फैजल इस्लाम दिख रहा हम तो और कुछ नहीं। अच्छा चल ठीक है सर, बात करने के लिए शुक्रिया। और भी लोगों से बात करेंगे। भैया खड़े हैं, क्या नाम है? वसीम नाम है। क्या माहौल है इलेक्शन का? कौन लगे मॉल तो भाई बाबू फैसल चले गए। अच्छा दूसरे पे नजमुल इस्लाम, इन दो का इलेक्शन है। चलिए सर शुक्रिया बात करने के लिए। और भी लोगों से बातें करेंगे, आगे बात करते रहेंगे। ये भैया मिल गए, इनसे पूछते हैं सब। अब आते हैं इधर की तरफ। नाम तो बताओ अपना। मोहम्मद नदीम। क्या माहौल है इलेक्शन का भाई? ये तो दो लोगों का नाम बताओ। अरे बताओ बताओ, डरो मत भाई। ये अभी तो बाबू फैसल का चल रहा है। बाबू फैसल का ही लग रहा है। चलिए इधर आते हैं, इनसे पूछते हैं भैया से। भैया ऊपर को देखना जरा, क्या नाम है आपका? आरिफ। क्या कहना चाहोगे, किसका माहौल है? बाबू फैसल का। दूसरे पे कौन? दूसरे पे वो है क्या नाम उसका, फूल वाला, बीजेपी दूसरे पे। चलिए सर शुक्रिया बात करने के लिए, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और भी लोगों से बातें करेंगे। चलिए सर तुम्हारा क्या नाम है जी? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफा। मुस्तफा भाई क्या माहौल है इलेक्शन का इस बार? इलेक्शन में मोहम्मद भाई फैसल है। अच्छा पूरे इलेक्शन में पहले नंबर पे? पहले नंबर पे। दूसरे पे कौन है? दूसरे पे नरेश। दूसरे पे नरेश। चलिए सर शुक्रिया बात करने के लिए और भी लोगों से बातें करेंगे। अब चलते हैं इन भैया के प्रधानमंत्री। अच्छा फिर भी आवाज तो आ रही होगी, तो मतलब कोई दिक्कत ही नहीं बताने में फिर। बाबू फैसल की आवाज है। चलिए सर शुक्रिया बात करने के लिए, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अदीब। अदीब भाई क्या माहौल है इलेक्शन कांगला? बाबू फैसल। दूसरे पे कौन? दूसरे पे जी कोई नहीं, बाबू फैसल। दूसरे पे कोई नहीं। चलिए आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करेंगे, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद। राशिद भाई क्या माहौल है कांगला इलेक्शन का? भाई कांगला इलेक्शन का माहौल तो यह है, इस टाइम नलके की भी हवा चल रही। अच्छा साइकिल की भी चल रही। अच्छा हम तो यही चाह रहे हैं कि इन दोनों भाइयों में से कोई सा भी निकल जाए। दोनों में से कोई भी एक निकल जाए। दोनों में से कोई भी मगर समर्थन में है हम नलके के। नलके के समर्थन में जी। चलिए इधर आते हैं। क्या नाम है भैया? शुभम जी। शुभम भाई थोड़ा आगे को आइए। क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल है कांगला इलेक्शन का? जो भाई साहब ने कहा आप भी बताइए अपने मुँह से सर। बस जी अपनी राय दीजिए जो भी तुम्हारा दिल है। ये अजय नड़के की जी। किससे? ये जी बाबू फैसल है जो। अच्छा दूसरा कौन? बस जी नड़के जी। पहला ही आपकी नजर में तो नलका ही। चलिए सर शुक्रिया बात करने के लिए, अब आगे निकलते हैं और भी लोगों से बात करेंगे। तो भाई आपका क्या नाम है जी? मोहम्मद सुहेल। सुहेल भाई क्या माहौल है? माहौल तो देखो अच्छे चल रहे हैं। किस किस की लग रही है माहौल बन रहा है? माहौल तो सभी का है। इलेक्शन अभी कुछ नहीं कहा जाता किधर है किधर नहीं है, क्योंकि पब्लिक इलेक्शन लड़ा रही है, चेयरमैन इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये माहौल तो देखो इलेक्शन के बाद ही पता लगेगा किसका माहौल है किसका नहीं। अभी फिलहाल दो लोगों का नाम या तीन के बता पाएंगे कौन? बिल्कुल नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अपना सपोर्ट जो है वो मोबिन राणा के साथ है। यही तो पूछ रहा हूँ मैं, और क्या पूछ रहा हूँ। सेकंड पे किसको देखते हैं? सेकंड पे तो सबको पता है कौन आएगा, बताओ? नरेश सैनी आएगा। सेकंड पर इलेक्शन है, जिससे भी इलेक्शन है, जिससे भी है उन्हीं का ही है। बस चलिए सर शुक्रिया, इधर आते हैं। वही जवाब आप ही अपने मुंह से बताओ। नहीं वही जवाब ही निकाला, अपने मुंह से बताइए। उन्होंने अपनी राय दी, आप अपनी। वही है क्या? पहले नंबर पे तो मोबिन ही है। अच्छा दूसरा? उसके बाद तो फिर नरेश सैनी, जिससे टक्कर है उसी से होगी। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद इंतजार। आगे बात ये से थोड़ा सा जरा सा रोशनी में को क्या लग रहा है माहौल, क्या है नगर पालिका कांगला चुनाव का? माहौल तो वैसे ठीक चल रहा है माशाल्लाह। किस किस की दो लोगों की टक्कर हो रही है फिलहाल? नरेश की और मोबिन राणा की टक्कर दिखाई दे रही है, इन दो लोगों की। जी जी जी। चलिए सर शुक्रिया बात करने के लिए, अब आगे चलते हैं और भी लोगों से बातें करेंगे। अब इधर की तरफ आते हैं, यहाँ पर भी दुकान है, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका सर? नावेद। नावेद भाई क्या माहौल है कांगला इलेक्शन का? माहौल तो बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा कौन दो लोगों के नाम बताए टक्कर में? मोबिन राणा और नजमुल इस्लाम, इन दो की टक्कर है। जी सर इधर आते हैं, चलिए सर बात करने के लिए। ठीक हो? बढ़िया जी। क्या माहौल है इलेक्शन का कांगला का? माहौल तो बढ़िया है। किस किस की दो लोगों की टक्कर है? मोबिन राणा। अच्छा नरेश, इन दो की टक्कर है। चलिए सर शुक्रिया बात करने के लिए, अब आगे की तरफ चलते हैं, इधर की तरफ आते हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर आपका? घनश्याम सैनी। क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल है कांगला नगर पालिका परिषद चुनाव का? भाई अभी तो कुछ नहीं कहा जाता भाई, अभी तो कोई भी दो या तीन लोगों की टक्कर, तीनों बराबर टक्कर है। किस किस की? फैसल बाबू की और जय नजमुल जी की। अच्छा और जय मोबिन, इन तीन लोगों की टक्कर है। आप बताइए सर क्या माहौल है जी? यही तीन है आपकी नजर में भी? चलिए आगे चलते हैं और भी लोगों से बातें करेंगे। नाम बताइए। मोहम्मद नईम। नईम भाई क्या लग रहा है, क्या माहौल है कांगला इलेक्शन का? इलेक्शन का तो भैया अभी कुछ पता नहीं, टाइम में पता लगेगा। कोई भी दो लोगों की टक्कर? तो फैसल बाबू और एक हाथी में, इन दो में टक्कर है। हाँ चलिए सर शुक्रिया बात करने के लिए, आगे चलते हैं और भी लोगों से बातें करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नीरज कुमार है। नीरज भाई क्या माहौल है इलेक्शन का कांगला का इस बार? तो फिलहाल तो दो लोगों का लग रहा हो? देखो जी तो जो है
बाबू फैसल है और अच्छा नरेश जी, इन दो की टक्कर लग रही है। चलिए सर शुक्रिया बात करने के लिए। अब आगे आते हैं एक दुकान, क्या नाम है जी आपका? अजी हम तो गड़ी वाले हैं जी। अच्छा हाँ जी, क्या कहना चाहोगे, क्या माहौल है इलेक्शन का? जी सब बढ़िया चल रहा इंसान। तो कह रहे थे कि टिकट हमें होगा, नहीं हुआ? नहीं हमने लिया नहीं जी। लिया नहीं? आप तो कह रहे थे हम ही लेंगे उस दिन मेरी वीडियो। बस मन टूट गया अपना। क्यों? जब भैया फैजी के लड़के आ रहे तो फिर तो उन्हें सहयोग देना चाहिए। तो आप उन्हें सहयोग दे रहे हैं? हाँ जी। इसलिए आपका मन टूट गया? हाँ जी। अच्छा एक बात बताइए कि अगली बार लेकर आएंगे या फिर अगली बार भी मन टूट जाएगा? अगली बार लेकर आएंगे जी। पक्का? हाँ जी। और फूल का निशान लाएंगे जी। फूल का? हाँ। इस बार फूल को कौन से नंबर पे देख रहे हैं? है जी फूल को हम तो जी नजमुल जी दिख रहा है जी। दूसरे पे किसको देख रहे हो? दूसरे पे नरेश बाबू आएंगे इस बार फिर भी दूसरे नंबर पे बीजेपी को। हाँ जी। आप तो बीजेपी की टिकट के लिए गुहार लगा रहे थे, बीजेपी को दूसरे नंबर पे क्यों देख रहे हैं? बस का बस का तो मतलब बाद में पता लगेगा जी। बताओ तो। है जी बताइए तो। उसका तो बाद में पता लगेगा जनाब। कैसा? कि फूल खिले या साइकिल खिले या नलका खिले। आपकी नजर में इंशाल्लाह फूल खिलेगा। अच्छा तो आप देख सकते हैं इन्होंने, भैया ने पहले तो कहा कि हम नजमुल के साथ में हैं, फिर उसके बाद इनको अपने दिल की बात बताइए, फिर कहा इन्होंने फूल खिलेगा। तो मतलब नजमुल के साथ नहीं है, फूल के साथ? हम तो फूल के साथ है जी। फूल के साथ है अभी तो आपने कहा था। चलिए आप आते हैं इधर की तरफ। आपका क्या राय है जी? सब जीते हैं जी, सब मरे हैं भाई। जनाब हम फूल के साथ है, फूल के साथ। अच्छा फूल के साथ है, फूल के। चलिए सर बात करने के लिए शुक्रिया। अब काफी लंबी वीडियो हो गई है लगभग, अब मैं यहाँ से वीडियो को अपने समाप्त करता हूँ और फिर आगे उससे आगे से एक वीडियो और कवर अप करेंगे, यहीं से ही आगे कंटिन्यू करेंगे। जिन लोगों ने मेरी वीडियो को पूरा देखा है उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, उनका एहसान मानूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ। आप लोगों ने मुझे बड़ा प्यार दिया है, बहुत प्यार देते हैं आप, ऐसा ही प्यार बनाए रखिए। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके भी अपना ओपिनियन